नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बिना कार्यों के हुए भुगतान करने पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सहजनवा के तत्कालीन वीडियो दुर्योधन सहित चार पर मुकदमा करवाया दर्ज। कहा, वीडियो दुर्योधन को सस्पेंड करने के लिए शासन को लिखा गया है पत्र, आगे भी चलती रहेगी जाँच की कार्यवाही, दोषी पाए जाने पर की जाएगी कार्यवाही। बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं से गीडा बना उद्यमियों की पसंद। निजी क्षेत्र के 6 निवेशकों की ओर से 1,000 करोड़ रुपए के निवेश है प्रस्तावित। सरकार की ओर से होटल मैनेजमेंट, गारमेंट पार्क, प्लास्टिक पार्क, आईटी पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री का है प्रस्ताव। जिलाधिकारी के निर्देश पर अब जिले के प्रत्येक तहसील के रजिस्ट्री कार्यालय में हुई 10 बड़े रजिस्ट्री के स्टाम्प को एसडीएम और तहसीलदार प्रत्येक माह करेंगे स्थलीय निरीक्षण। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। डकैती में वांछित 4 अभियुक्तों को ऑपरेशन पाताल के तहत उरवा बाजार पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। खोरापार ब्लॉक के छितौनी गांव में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने लगाया चौपाल। कहा, चौपाल में मुख्य शिकायत 100 मीटर रास्ता बनाने के लिए आई थी, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिया गया है निर्देश। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित 22वीं जूनियर खो खो स्टेट चैंपियनशिप में बिजनौर को 2 अंक से हराकर गोरखपुर बना चैंपियन। खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। कहा, प्रत्येक स्कूल में खेलों को किया जाएगा प्रोत्साहित। नगर निगम की सिटी बसें लगभग 40 लाख रुपए महीना की कर रही हैं कमाई। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने दी जानकारी। कन्या सुमंगला योजना की बैठक सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को दिलवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सुरमई गोरखपुर समिति का हुआ गठन। रामगढ़ ताल पर प्रत्येक शनिवार को 4:30 से 6 बजे तक गोरखपुर के विभिन्न कलाकारों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मिलेगा मौका। मेंबर सेक्रेटरी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। कचहरी चौराहे पर निशुल्क प्याऊ का एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया शुभारंभ। कहा, किसी भी राहगीर को जल पिलाना होता है पुण्य का काम। और बरसात से निपटने के लिए नगर निगम की तैयारी हुई पूरी। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, गोड़धुया नाला सहित सभी नालों की तेजी से करवाई जा रही है सफाई। शहर में नहीं होगा जल जमाव। अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सहजनवा के पूर्व वीडियो दुर्योधन सहित 4 पर मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि सहजनवा ब्लॉक में निरीक्षण के दौरान शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिना काम किए भुगतान किया गया है। उसमें शोषण व अनियमितता की शिकायत आई थी, जिसके लिए जाँच के लिए कमेटी गठित की थी। जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ कार्य बिना किए गए भुगतान किया गया, कुछ काम भुगतान से पहले किया गया, जिसके बाद सत्यापन होने की बात आई तब उसको पूरा किया गया। जांच में शिकायत व अनियमितता पाई गई, जिसके आधार पर तत्कालीन सहजनवा के वीडियो दुर्योधन एनपीओ सहित कुल 4 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसको विस्तृत जांच किया जा रहा है। वीडियो दुर्योधन के कार्यकाल में जितने भी भुगतान हुए हैं उसकी विस्तृत जाँच कर कार्यवाही की जाएगी। उनको सस्पेंड करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है, साथ ही जड़ तक जाकर कार्यवाही की जाएगी। शासन के जीरो करप्शन की
नीति के मंशा अनुरूप कार्य किया जा रहा है, जिसका शत प्रतिशत पालन करवाया जा रहा है। जन शिकायतों के निस्तारण के प्रति गंभीरता व शासन की योजनाओं को लागू करने में पारदर्शिता का परीक्षण के साथ गोपनीय जांच की जाएगी, जिसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जो सजनवा ब्लॉक में निरीक्षण के दौरान कुछ शिकायतें मिली थी कि बिना काम किए भुगतान किया गया है और उसमें शोषण और अनियमितता की शिकायत आई थी, उसमें मैंने विस्तृत जांच कमेटी गठित की थी। जांच रिपोर्ट में ये पाया गया कुछ कार्य बिना काम किए भुगतान किए गए, कुछ काम भुगतान पहले किए गए और उसके पश्चात मेरे जब सत्यापन होने की बात आई तभी उनको पूरा किया गया। इस तरह की गंभीर शिकायतें गंभीर अनियमितता पाई गई, उसके आधार पर तत्कालीन BDO श्री दुर्योधन और एवं APO एवं अन्य पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकता दर्ज करके विस्तृत जांच के लिए बोला गया है। साथ ही साथ श्री दुर्योधन के कार्यकाल में जितने भी भुगतान परियोजनाओं के हुए हैं उन सब की विस्तृत जांच करके कार्रवाई की जाएगी। उनको सस्पेंड करने के लिए शासन को लिखा गया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण के जड़ तक जाकर कार्रवाई की जाएगी। शासन की जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन के नीति के अंतर्गत शासन के मंशानुरूप सभी अधिकारियों के आम छवि शिकायतों के निस्तारण के प्रति गंभीरता एवं शासन की योजनाओं को लागू करने पर पारदर्शिता तत्परता का परीक्षण किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा, गोपनीय जांच की जाएगी और उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं की वजह से गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी GIDA निवेशकों की पसंद बन रहा है। यहां आ रहे निवेशों के प्रस्ताव और जिन प्रस्तावों पर काम हो रहा है वह इसके सबूत हैं। सब कुछ इसी तरह रहा तो प्लास्टिक पार्क, IT पार्क, गारमेंट पार्क, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बनने वाले औद्योगिक गलियारे, धुरिया पार्क की औद्योगिक टाउनशिप समेत अन्य योजनाओं के जरिए अगले 5 साल में यह उत्तर भारत का दूसरा नोएडा बनने की राह पर होगा। मालूम हो कि बहुत पहले से गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है, इस नाते यह रेल सेवा के जरिए पूरे देश से जुड़ा है। GIDA के बीचों बीच गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली 4-लेन सड़क है, इसके जरिए GIDA पूर्वोत्तर भारत और देश के अन्य हिस्सों से जुड़ता है। इसको 6-लेन का बनाने का प्रस्ताव है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद इसकी रोड कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। गोरखपुर में पहले से ही एयरपोर्ट है, मौजूदा समय में यहां से देश के सभी प्रमुख महानगरों के लिए नियमित फ्लाइट्स है। करीब 50 किमी दूर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोने पर सुहागा जैसा है। इस तरह से कनेक्टिविटी के लिहाज से GIDA को वैश्विक स्तर की सुविधाएं हासिल हैं। इन्हीं बेहतरीन सुविधाओं की वजह से GIDA न केवल देश बल्कि विदेश के निवेशकों की भी पसंद बन रहा है। 2 दिन पहले यूनाइटेड किंगडम के साउथ एशिया के ट्रेड कमिश्नर एलन जेमल का दौरा और यहाँ के परिवेश की तारीफ इसका प्रमाण है। अगर GIDA के इतिहास, मौजूदा और प्रस्तावित निवेश की बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। मौजूदा समय में यहाँ की 600 इकाइयों में 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। गैलेंट इस्पात इंडिया, ग्लाइकॉल्स, अंकुर उद्योग, क्रेजी फूड्स ABR, पेट्रोकेमिकल्स ARP ग्रुप, इंडियन ऑयल, पार्ले फूड्स, सप्लाइज इंडस्ट्रीज SD इंटरनेशनल आदि प्रमुख इकाइयां हैं। प्रस्तावित प्रमुख उद्योगों में कियान इंडस्ट्रीज, CP मिल्क, तत्व प्लास्टिक, क्वार्टर्स, ओपेल वेयर, आदित्य मोटर्स, बुद्धा ट्रस्ट आदि हैं। इन इकाइयों का कुल निवेश 1000 करोड़ से अधिक है। इनके लगने पर 26,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा ODOP योजना के तहत प्रदेश सरकार 60 करोड़ रुपए की लागत से गारमेंट पार्क बना रही है। इसके लिए 56 निवेशकों को प्लाट भी आवंटित किए जा चुके हैं। इसमें 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से हाल ही में गोरखपुर में कुछ बड़े ब्रांड के होटल खुले हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं। इनमें हॉस्पिटैलिटी में दक्ष लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का प्रस्ताव है।
इस बाबत 6 एकड़ जमीन भी आवंटित की जा चुकी है। इसके अलावा गोरखपुर लखनऊ एवं सोनौली कुशीनगर राजमार्ग के जंक्शन 0 पॉइंट पर 240 एकड़ व्यावसायिक और आवासीय परियोजना के लिए प्रस्तावित है। फर्स्ट फेज के लिए भूमि 70 एकड़ भी अधिग्रहित की जा चुकी है। गोरखपुर के दक्षिणांचल में 8385 एकड़ में टाउनशिप बनाने और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव अलग से। ये सारी योजनाएं अगले 5 साल में मूर्त रूप लेने लगेंगी। इसके साथ ही न केवल गीडा का बल्कि पूरे क्षेत्र का औद्योगिक परिदृश्य बदल जाएगा। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है, प्रत्येक तहसील में रजिस्ट्री कार्यालय है, वहां के 10 बड़े रजिस्ट्री के स्टाम्प को एसडीएम और तहसीलदार प्रत्येक माह स्थलीय निरीक्षण करेंगे कि जो संपत्ति थी उसका मूल्य क्या था, मूल्य के अनुसार स्टाम्प लगा है कि नहीं, अगर स्टाम्प की कमी पाई जाएगी तो उसमें स्टाम्प अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस हूँ। हमारे जनपद में जो रजिस्ट्री कार्यालय हैं वहाँ पर आप जानते हैं कि संपत्तियों की रजिस्ट्री होती है और उनमें तमाम ऐसे प्रकरण आते हैं कि लोग स्टाम्प चोरी कर लेते हैं। जितना स्टाम्प उनको लगाना चाहिए वो स्टाम्प नहीं लगाते हैं। तो जिलाधिकारी महोदय ने ये निर्देशित किया है कि प्रत्येक तहसील में जो उनके यहाँ रजिस्ट्री कार्यालय हैं वहाँ के जो 10 बड़े स्टाम्प होंगे, 10 बड़े स्टाम्प एसडीएम साहब और उसके बाद के 10 बड़े स्टाम्प तहसीलदार साहब प्रत्येक माह उनका स्थलीय निरीक्षण करेंगे कि जो संपत्ति थी उसका मूल्य क्या था, मूल्य के अनुसार उसमें स्टाम्प लगा या नहीं लगा, अगर स्टाम्प की कमी पाई जाएगी तो उसमें बाकायदे स्टाम्प अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होकर के कार्रवाई की जाएगी। उरवा बाजार पुलिस ने डकैती से संबंधित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस ऑफिस में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को बनकट मोड़ से करीब 100 मीटर पहले से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राज यादव पुत्र अयोध्या यादव निवासी ग्राम रायपुर थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, दूसरा अमित मौर्य पुत्र स्वर्गीय राम कंवल मौर्य निवासी ग्राम टड़वा बहलीन थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, तीसरा सिद्धार्थ उर्फ गोलू गिरी पुत्र कृष्ण देव गिरी निवासी ग्राम कुरावल थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, चौथा ऋषभ यादव पुत्र आद्या यादव निवासी ग्राम मोहद्दीपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 4 मोबाइल, 2 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि 4 अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उरवा बाजार थाना प्रभारी अजय कुमार मौर्य, उप निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी, सुनील शर्मा, हेड कांस्टेबल अनिल सिंह यादव, श्रीराम आफताब आलम, जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल कमला सिंह यादव, दिनेश यादव, इंद्रजीत शाह, सत्यम सिंह यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, कपड़े में सिल के ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, इधर आइए। अरे भाई, प्रेस नोट तो क्यों नहीं दिया? बीती रात से पहले 2 रात में लगातार गोला
और उरुआ क्षेत्र में कुछ नई उम्र के लड़के बाइकों से चल रहे थे और देर रात में जब शादी ब्याह से लौटने का समय होता है उस समय ये लोगों के मोबाइल छीन ले रहे थे। परसों की रात में इन लोगों ने चार लड़के आ रहे थे और उन चारों से मोबाइल छीन लिया। उससे अगली रात में फिर गोला क्षेत्र में भी ये किसी तरह की छिनैती किया और एक छिनैती उन्होंने उरुआ क्षेत्र में किया। ये मुकदमे दर्ज हुए थे और कहीं से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ एक लोगों के उसमें फ़ोटो भी लगभग शिनाख्त हो गई थी। उस आधार पर पुलिस तलाश कर रही थी। उरुआ क्षेत्र में उस रात्रि की चेकिंग के दौरान ये जो बीती रात है इसमें संदिग्ध चार लड़के जिनका कद काठी हुलिया उसी तरह का था पकड़ में आए और सस्पेक्ट कन्फर्म इस नाते हो गए कि तत्काल तलाशी में उनकी जेबों से दो नाजायज असलहे बरामद हो गए और घटना में लूटा गया एक मोबाइल बरामद हुआ। फिर इनसे पूछताछ में ये पता चला कि ये सब नई उम्र के लड़के हैं और ये सात लोग इसमें शामिल हैं। तीन या चार लोग वारदात को अंजाम देते हैं, शेष बचे हुए लोग आगे पीछे थोड़ी दूरी पे बने रहते हैं, अगर कोई बात हो तो उससे निपटा जाएगा। और इनके पास चार मोटरसाइकिलें हैं तो चार आदमी उरुआ में गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से एक आदमी गोला में गिरफ्तार हुआ है। इनके कब्जे से चार अदद मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, दो तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं और इनको खुद भी पूछताछ में ये याद नहीं है कि इस तरह की इन्होंने झपटमारी कितनी की है। इनका जो सरगना है वो फिलहाल अभी जो टॉप लीडर है वो पुलिस की गिरफ्त से, उसका एक साथी, ये दोनों बाहर हैं। उसमें एक बिना नंबर की बाइक है, वो बाइक भी अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है, दो बाइकें मिल गई हैं तो शेष दोनों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इनका जो साथी है जिसको मैं बता रहा हूँ सरगना है, अभी मोबाइल का पूरा जखीरा उसके पास है और ये सारा राज उससे खुलने की संभावना है कि ये किसको मोबाइल देते रहे, क्योंकि अभी इनका बेचा हुआ कोई मोबाइल इस तरह का बरामद नहीं हुआ कि हम उससे पूछें कि तुमने किससे खरीदा है। उसके पकड़े जाने पर हो सकता है कि वो यहाँ लोकल बेचता है या किसी और गैंग से, बड़े गैंग से जुड़ा है, क्योंकि अब तो अब सबके हाथ में लगभग एंड्रॉयड फ़ोन रहता है तो जब झपटमारी करते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन ही बरामद होते हैं। तो ऐसा भी संभव हो सकता है ये दो चार जनपद बाहर या प्रदेश के बाहर किसी गैंग से इनका संबंध हो तो उससे बेचते हों। उन दोनों के पकड़े जाने के बाद उम्मीद है कि हम वहाँ तक भी आगे बढ़ पाएंगे। सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को खोराबार ब्लॉक के छितौना गांव में चौपाल लगाया, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि छितौना गांव में चौपाल लगाया गया था। चौपाल में मुख्य शिकायत आई जो 300 मीटर रास्ते की शिकायत आई थी, जिसके निस्तारण के लिए आरआई को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा अगले 10 दिनों में निरीक्षण करके रोड का कार्य शुरू कराया जाएगा। इसके अलावा कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग और राशन कोटेदार व अन्य विभागों के कार्यों की जांच की गई। चौपाल में जो भी शिकायतें आई उसका निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि किसी भी विभाग से किसी प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया, क्योंकि गांव में पहले से प्रधान सचिव के साथ पूरी टीम एक्टिव है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, और परफॉर्मेंस ग्रांट के जो बाकी बचे हुए कार्य हैं इसी तरह जैसे आपने गुणवत्तापुर पहले काम किया है उससे भी बढ़िया कराते हुए एक नाजीर पूरा करिए स्थापित, ताकि हम लोग आने वाले समय में किसी भी माननीय जनप्रतिनिधि का अगर दौरा लगता है, कोई चौपाल लगती है तो हम आपके गांव में लाएं और यहां पे लगाएं। चौपालें हुई है सबसे, मैं कह रहा हूँ कि लाइवली सबसे जीवंत चौपाल यही मुझे छितौना की लगी है और उसका कारण है प्रमोद जी। और इसके साथ प्रधान जी का धन्यवाद, प्रधान जी ने जो यहाँ पे काम किया है
वो काबिलियत तारीफ है, उसकी चर्चा जब से चौपाल लगाया गया आपके द्वारा। हाँ, मैंने मेरे द्वारा चितौना में कोराबार में चौपाल लगाया गया है। इसमें जो गांव है वो काफ़ी उसमें अच्छा काम हुआ है और गांव में परफॉर्मेंस ग्रांट का भी फंड आया है और जो जितने भी परफॉर्मेंस ग्रांट के कार्य थे वो सब पढ़ के सुनाए गए हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर जो मुख्य शिकायतें आई है चौपाल के दौरान, वो एक रास्ते की थी 300 मीटर के रास्ते की, जिसको मेरे द्वारा RI को निर्देशित किया गया है कि अगले 10 दिन में उसका चिन्हांकन करके वहाँ पर जो RCC रोड का पैसा सेंक्शन हुआ है उसको कार्य शुरू कराते हुए पूर्ण कराना है। और इसके अलावा जो हमारे बाकी विभाग है, कृषि विभाग है, समाज कल्याण है और हमारे जो राशन के लिए जो वहाँ पे कोटेदार है, इन सारों का जो हमने वहाँ पे एक जांच की है और जो भी एक या दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं उन सब का निस्तारण वहीं किया गया है। और एज सच गाँव में कोई मेजर कंप्लेंट नहीं दी गई है। कूड़े की व्यवस्था वहाँ पे के लिए हम लोग MRF सेंटर का वहाँ पे एक प्रावधान किया गया है, जिसपे कार्य अभी एक दो दिन में शुरू हो जाएगा, टेंडर उसका ओपन हो चुका है। पंचायत भवन पर भी कार्य शुरू हो चुका है वहाँ पर, और जो बाकी डेवलपमेंट के कार्य हैं वो अभी जैसे ही उसका L1 प्राप्त होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। सर, ज़्यादा मामले किस विभाग में? कोई भी विभाग का वहाँ एज सच मामला नहीं था, क्योंकि गांव जो है पहले भी अम्बेडकर गांव रह चुका है। इसके साथ साथ गांव में जो प्रधान है और वहाँ पे जो टीम है, सचिव हैं या बाकी ब्लॉक की टीम है, बहुत एक्टिव है, उनके द्वारा पहले ही 2-3 दिन से लगातार काम हो रहा था, तो इसलिए कोई ज़्यादा मामले संज्ञान में नहीं है। सर, कितना निस्तारण किया गया? वहाँ पे जो मुझे हुई थी, जो मेजर मैंने बताया 300 मीटर रास्ते का था, जिसमें तकरीबन 100 परिवार हैं जो प्रभावित है, उसके लिए हमें 10 दिन चाहिए। हम 10 दिन में उसको करके राजस्व विभाग के बिल के वो रास्ता बनवा देंगे। बेसिक शिक्षा विभाग परिषद की तरफ से आयोजित 22वीं जूनियर खो खो प्रतियोगिता में जनपद से बेसिक शिक्षा परिषद भटहट ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुलरिहा जमुनिया के 8 खिलाड़ी टीम में चयनित किए गए थे। इन्होंने बिजनौर को 2 अंक से हराकर स्टेट चैंपियनशिप में जनपद को जीत हासिल कराया। इस संबंध में बेसिक शिक्षा कार्यालय पर बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में BSA रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि स्टेट लेवल पर खो खो खेल की प्रतियोगिता हुई, जिसमें जनपद खो खो में प्रथम स्थान पर आया है। उन्होंने शिक्षक और खिलाड़ियों को बधाई दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल में खेल को प्रोत्साहित किया जाए और अध्यापकों से अपील करते हुए कहा कि स्कूल खुलने के बाद बच्चों को योगा, खेल और PT में बच्चों को प्रशिक्षित किया जाए और निश्चित रूप से खेल और योगा में इनका भविष्य उज्जवल होगा। इस अवसर पर जिला व्यायाम शिक्षिका रीना सिंह, योगाचार्य डॉक्टर विनय मल, प्रीति सिंह, विवेक जायसवाल, रमेश सहित शिक्षक उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए खो खो खिलाड़ियों के कप्तान रवि कांत, कोच अविनाश चौहान तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह ने कहा, आप लोग क्या खो खो खेलते हो बैठे ना? क्या प्लानिंग है आगे फ्यूचर के लिए? मान जो हमारा स्पोर्ट्स में ही बहुत करियर होता है। स्पोर्ट्स का तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके शरीर में दर्द कोई बीमारी नहीं होती। स्पोर्ट्स के बाद आपको करियर कहाँ कहाँ बन सकता है? पुलिस में जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, रेलवे में जा सकते हो, किसी एक्स में हो जा सकते हो, भी मिलता है। कोई ना कोई मदद के लिए इसको किसी ना किसी को मिलता रहेगा आपके लिए। शिक्षा परिषद के लिए बच्चे 8 बच्चे इसमें हैं और जो 2-4 इंटर कॉलेज के लिए हैं, बट वो बेसिक से ही पढ़े हुए हैं, क्योंकि दोनों को डिस्ट्रिक्ट में थी और इसमें ओपन था। 20 साल बाद ये चीज जो है गोरखपुर को ये अचीवमेंट मिला, तो मैं सबसे पहले नाम बोलती हूँ।
मेरा नाम विशाल कुमार है, मेरे कोच अविनाश सर हैं और एक वाइस कोच जो है रविकांत सर। फाइनल किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सर, मेरी टीम ने फाइनल जीत के आई बिजनौर से। कौन सा खेल खेला है? खो खो गेम खेलता हूँ हम लोग, खो के प्लेयर्स हैं और हमारी जो टीम है वो सर बहुत अच्छी है, आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस करती रहेगी यहाँ तक मेरा मानना है। क्या बाकी भाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी भाव के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करिए ईमानदारी से करिए, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ईमानदारी से करिए। जो आपके कोच है, सबसे बड़ा खेल का अनुशासन होता है, अनुशासन में रहिए, आप अपने कोच का वो रिस्पेक्ट करिए, आपको गेम रिस्पेक्ट करेगी। अविनाश चौहान मेरा नाम है और मैं बेसिक शिक्षा विभाग का ही टीचर हूँ। मेरा पोस्टिंग सम्मिलियनपुर माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर उरवा में है। सर बहुत खुशी की बात है और हमारे इस बेसिक परिषद के लिए भी बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि ये सफलता पिछले 22 साल से हम लोग खोज रहे थे, आज हमको ये मिली है। और मैं बताना चाहूँगा, ये सारे बच्चे बेसिक परिषद के बच्चे हैं, भट्टड ब्लॉक के बच्चे हैं, कुछ जो इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, और इसमें हम बेसिक शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहा। और रीना मैडम अकरम सर ने हमें बुला के बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया और मैं ट्रेनिंग दिया पिछले 6 महीने से। आज उसका रिजल्ट सामने है और पूरे प्रदेश में गोरखपुर का नाम ऊंचा हुआ और उसके साथ साथ बेसिक विभाग का भी नाम ऊंचा। इसके लिए मैं सभी लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। सर ये 22वीं जूनियर स्टेट चैंपियनशिप बिजनौर में आयोजित हुआ और वहाँ पर ये बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त किए। खो खो खिलाड़ी हमारे ये स्टेट लेवल खेले थे, विभिन्न स्कूलों से ये बिजनौर में इनका प्रतियोगिता हुई थी, तो हमारा जनपद खो खो में प्रथम आया है। मैं उन खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ और जिन शिक्षकों ने इन खिलाड़ियों को तैयार किया है उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। मैं क्योंकि सरकार की ये मंशा है कि प्रत्येक स्कूल्स में खेल को प्रोत्साहित किया जाए, तो मैं सभी अध्यापकों से ये अनुरोध करूँगा कि जब भी स्कूल खुले, अभी योगा आने वाला है, योगा और खेल पीटी में हमारे बच्चों को प्रशिक्षित किया जाए और निश्चित रूप से खेल और योगा में भी उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। और मैं सभी अध्यापकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो खेल प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे ही लेते रहें और योगा और पीटी हमारे बच्चों को सिखाते रहें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बिना कार्यों के हुए भुगतान करने पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सहजनवा के तत्कालीन वीडियो दुर्योधन सहित 4 पर मुकदमा करवाया दर्ज। कहा, वीडियो दुर्योधन को सस्पेंड करने के लिए शासन को लिखा गया है पत्र, आगे भी चलती रहेगी जाँच की कार्यवाही, दोषी पाए जाने पर की जाएगी कार्यवाही। बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं से गीडा बना उद्यमियों की पसंद, निजी क्षेत्र के 6 निवेशकों की ओर से 1,000 करोड़ रुपए के निवेश है प्रस्तावित। सरकार की ओर से होटल मैनेजमेंट, गारमेंट पार्क, प्लास्टिक पार्क, आईटी पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री का है प्रस्ताव। जिलाधिकारी के निर्देश पर अब जिले के प्रत्येक तहसील के रजिस्ट्री कार्यालय में हुई 10 बड़े रजिस्ट्री के स्टाम्प को एसडीएम और तहसीलदार प्रत्येक माह करेंगे स्थलीय निरीक्षण। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। डकैती में वांछित 4 अभियुक्तों को ऑपरेशन पाताल के तहत उरवा बाजार पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। खोराबार ब्लॉक के छितौनी गांव में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने लगाया चौपाल। कहा, चौपाल में मुख्य शिकायत 100 मीटर रास्ता बनाने के लिए आई थी, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिया गया है निर्देश। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित 22वीं जूनियर खो खो स्टेट चैंपियनशिप में बिजनौर को 2 अंक से हराकर गोरखपुर बना चैंपियन। खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। कहा, प्रत्येक स्कूल में खेलों को किया जाएगा प्रोत्साहित। नगर
निगम की सिटी बसें लगभग 40 लाख रुपए महीना की कर रही हैं कमाई, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने दी जानकारी। कन्या सुमंगला योजना की बैठक सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को दिलवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सुरमई गोरखपुर समिति का हुआ गठन। रामगढ़ ताल पर प्रत्येक शनिवार को 4:30 से 6 बजे तक गोरखपुर के विभिन्न कलाकारों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मिलेगा मौका, मेंबर सेक्रेटरी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। कचहरी चौराहे पर निशुल्क प्याऊ का एसपीसीटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया शुभारंभ। कहा, किसी भी राहगीर को जल पिलाना होता है पुण्य का काम। और बरसात से निपटने के लिए नगर निगम की तैयारी हुई पूरी। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, गोड़धुया नाला सहित सभी नालों की तेजी से करवाई जा रही है सफाई, शहर में नहीं होगा जल जमाव। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। भटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम का सिटी बस 40 लाख महीना की कमाई कर रहा है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के द्वारा शहर में कुल 25 बसें अलाट की गई हैं, जिसमें कुल 15 बसें आ चुकी हैं, जिसको मुख्यमंत्री योगी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया था। इलेक्ट्रिक बस का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। जब सड़क पर बसें चलती हैं तो यात्रियों से फुल रहती हैं। प्रतिदिन 1 लाख से ऊपर की आय हो रही है। लोगों की डिमांड पर नगर निगम ने बसों का संचालन सहजनवा से प्रारंभ किया है।
इसके अलावा भटहट से भी बसें चल रही हैं क्योंकि वहां पर यात्री ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग सुबह शहर में आते हैं व शाम को घर पर जाते हैं। बहुत से स्कूली बच्चे सरकारी कार्यालय कचहरी में शहर में आते हैं, उन सभी के लिए इलेक्ट्रिक बसें कारगर साबित हो रही हैं जो कि बहुत लाभकारी हैं, जिसको देखते हुए बची हुई 10 बसें देने के लिए शासन से मांग की गई है, जिससे कि यात्रियों की आ रही डिमांड को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम में 2 12 मीटर की बसें आ चुकी हैं जिनको एम्स से लेकर नौकायन चिड़ियाघर तक चलेंगी, जहां पर पर्यटक ज़्यादा आते हैं, जो कि 54 सीट वाली बस है जो कि टूरिज्म के लिए प्रयोग किया जाएगा। जल्दी बसों को सड़कों पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर बहुत तेज़ी से विकसित करने वाला शहर है और यहाँ पर पर्यटक की भी भीड़ बहुत हो रही है, उन लोगों को इन बसों के माध्यम से आने जाने में सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, देखिए शासन के द्वारा जो है नगर निगम गोरखपुर के लिए जो शहरी क्षेत्र हमारा है वहाँ पर कुल 25 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो अलॉट की गई हैं और उसमें से कुल 15 बसें इलेक्ट्रिक बसें हमारे पास आ चुकी हैं और जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर पूरे शहर में उस वक्त वो चल रही हैं और निश्चित रूप से इस जो इलेक्ट्रिक बस है इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा देखने में आ रहा है। हर समय ये बसें फुल मतलब पूरी तरह से यात्रियों से भरी रहती हैं और जो इसकी डेली की इनकम है पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा डेली हमारी 1 लाख रुपए से ऊपर की जो आय है वो हो रही है और इसी बीच में कई काफ़ी लोगों के कहने पर हम लोगों ने इसको सजनवा से भी चालू किया है, इधर भदहट तक बरगदवा के और आगे तक हमारी ये बसें सिटी सीमा से बाहर भी जाके, चूँकि डिमांड इतनी ज़्यादा है वहाँ पर इतने ज़्यादा यात्री मिल रहे हैं जो कि शहर में आना चाहते हैं, शहर से शाम को वापस जाना चाहते हैं, बहुत से हमारे जो बच्चे हैं जो कोचिंग करने आते हैं शहर में, इसके अलावा और भी बहुत से कोर्ट कचहरी कलेक्ट्रेट में, तो उन सभी के लिए ये जो इलेक्ट्रिक सिटी बसें हैं बहुत ही मुफीद सिद्ध हो रही हैं, बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही हैं और हम लोगों ने शासन से अभी मांग किया है कि हमारे जो बैलेंस 10 इलेक्ट्रिक बसें हैं उसको भी जल्दी यहाँ पर उपलब्ध करा दें, जिससे कि जो हमारे ऊपर जो एक प्रेशर है उसको कम किया जा सके। इसी के दृष्टिकोण अभी यहाँ पर एक जो 12 मीटर वाली जो बसें हैं 2 बसें आ चुकी हैं जिनको कि हम पर्यटकों के लिए क्या नाम है एम्स से लेकर रामगढ़ ताल से लेकर ऐसे ऐसे जगहों पर चिड़ियाघर ऐसे जगहों पर ले जाएंगे जहाँ की पर्यटक जहाँ पर ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो उन बसों को 54 सीटर बसें हैं और उन बसों को हम लोग को पूरी तरह से टूरिज्म के लिए हम लोगों ने उसको वो किया है कि डिवोटेड किया है उसको उन्हीं के लिए और बहुत शीघ्र जो है वो बसें जो आप देखेंगे सड़कों पर चलेंगी और निश्चित रूप से चूँकि जो पैटर्न का नक्शा है उस पर गोरखपुर बहुत तेज़ी से उभर रहा है, तो जितने भी ऐसे लोग आएंगे उन लोगों को हम लोग जो है इन बसों के माध्यम से विभिन्न जो पर्यटक स्थल हैं उन पर लेकर उनको वहाँ पर गोरखपुर की जो एक प्राकृतिक सौंदर्य है उसके दर्शन कराएंगे। हाँ बहुत ही निश्चित रूप से इसके लिए हम अपने सभी जो हमारी पूरी टीम लगी हुई है उसको बधाई भी देना चाहेंगे और कि वो लोग उसको लगातार मेंटेन कर रहे हैं और ड्राइवर के साथ जो हमारे कंडक्टर हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उन सभी को हम अपने कह लीजिए कि एक शुभकामनाएँ देना चाहेंगे कि वो आगे और भी मेहनत करें। जो अभी कुछ हम लोग नए क्षेत्र में जुड़ रहे हैं वहाँ भी लोगों के जो यात्री हैं उनको भी उसी प्रकार से वो लोग ले आएँ, उनको इस जो सुविधा है उसका लाभ दें और निश्चित रूप से जो अपनी आय में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएँ। सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में कन्या सुमंगला योजना की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बैठक संपन्न हुई है। बैठक का उद्देश्य था कि नव वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, जो लड़कियां श्रेणी में आती हैं उनका एडमिशन भी शुरू हो गया है, जो कक्षा 9, 10, 11, 12 पास करके स्नातक में एडमिशन ले रही हैं उनसे बात करके योजना का फॉर्म भरवाया जाए, इसके अलावा जो आवेदन लंबित पड़े हैं उनको जल्द ही निस्तारण करके बच्चों के खाते में पैसा हस्तांतरित किया जाएगा। इस अवसर पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने कहा, तो
ये 317 आवेदन थे, हो गया है, मैं कल फिर रिपोर्ट डालूंगा रोड में, चेक करूंगा इसको। नहीं, कल जो इसका जीरो नहीं होगा वहाँ पे हम बैठा के कराएंगे। सर मैं नोट कर ले रहा हूँ, क्योंकि बता नोट कर लो, जीरो कैमरे में आ देंगे। ये पूरा 144 था। इसके अलावा जो खंड विकास खंड स्तर पर लंबित बुलाए सर, क्योंकि वही देखते हैं ब्लॉक। बांस गाँव जीरो हो गया है, 36 है बांस गाँव आपके पास है, फ्रेश पेंडेंसी 36 किया है। कब खत्म होगा ये? सर आज खत्म हो गया, सबको बांट दिया गया है और डिफाइन करने के लिए। और बड़ालगंज बताइए, आप क्या 31 की पेंडेंसी है? रियाज साहब और बी ओ साहब के स्तर से रिजेक्ट होके आया, उसको क्यों छोड़े हैं? उसमें पूरे डोंगर लगाना होता है, पता है ना कैसे खत्म हो जाएगा? ऑलरेडी रिजेक्टेड होते हैं, केवल डोंगर लगाना है, वो खत्म हट जाएगा वहाँ से। 217 है, सेकेंड टॉप में है आप, थर्ड टॉप में। कितना बचा है? हो गया है नहीं, डोंगल के लिए 130 है पेंडिंग, सबसे ज़्यादा इसको करा दीजिए। जैसे मैडम आई मुझे बुला लेता दिखवाइए। 123 पेंडिंग है फ्रेश है, और 31 डोंगल के लिए है, वो तो ठीक है। ये 96 वाला जो एरिया वाला है जो रिजेक्टेड है, ऑलरेडी बीओ के स्तर से रिजेक्ट होके आए हैं, केवल डोंगा लगाना है, 2 मिनट का काम है, हो जाएगा कल। केवल इसकी वजह से प्रेगनेंसी आराम से दिख रही है हमारे पोर्टल पर। उसके बाद जो 45 फ्रेश प्रेगनेंसी है जो इसका सत्यापन भी अभी अपलोड नहीं हुआ है, 45 है ऐसे, कितने दिन हो जाएगा? शनिवार तक सब फाइनल कुछ जीरो कर। आज की जो बैठक की गई है वो बैठक मुख्य रूप से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में की गई है। इस बैठक का उद्देश्य ये था कि चूंकि नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है और बच्चों के जो लड़कियां हमारी जो इस श्रेणी में आती हैं उनके एडमिशन्स भी शुरू हो गए हैं, कक्षा 1 में, कक्षा 6 में, कक्षा 9 में, और इंटर पास या हाई स्कूल पास करके प्रोफेशनल या स्नातक कोर्स में जो एडमिशन हो रहे हैं, तो उन बच्चों को टेस्ट आउट करके उनको एडमिशन जो बच्चियाँ ली हैं उनको योजना का फॉर्म भरवाया जाए और उनको लाभान्वित कराया जाए, इस संबंध में बैठक थी। साथ ही साथ जो हमारे अभी आवेदन जो लंबित पड़े हुए हैं उन आवेदन को भी हम लोग को जल्द से जल्द निस्तारित करके बच्चों को खाते में पैसा अंतरित करने की कार्रवाई करने के संबंध में था। इसमें हमारे जो ब्लॉक लेवल के जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स के जो हमारे कर्मी हैं उन सबको बुलाया गया था। इसमें CDPO आए हुए थे, ABSA आए हुए थे, और BCPM आए हुए थे, और ADO समाज कल्याण आए हुए थे। साथ ही साथ जनपद स्तर के अधिकारी भी इसमें प्रतिभाग किए थे। तो ये पूरा हमारा था कि आवेदन को ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित किया जाए और जो हमारे आवेदन प्राप्त हुए हैं उनको सत्यापन करके समय से भुगतान के लिए डायरेक्टर स्तर पर प्रेषित कर दिया जाए। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सुरमई गोरखपुर समिति बनाई गई है, जिसके संबंध में ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं, GDA उपाध्यक्ष समिति के उपाध्यक्ष हैं, ADM फाइनेंस समिति के मेंबर सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बताया कि जनपद के 9 अधिकारी इस समिति में स्थायी सदस्य हैं तथा 6 अधिकारी निजी व्यक्ति सम्मिलित करते हुए एक संस्कृति समिति भी बनाई गई है। सुरमई गोरखपुर का उद्देश्य है कि रामगढ़ ताल पर प्रत्येक शनिवार को 4:30 बजे से 6 बजे तक गोरखपुर के विभिन्न कलाकारों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। जो भी कलाकार जिस कला, नृत्य, गायन, वादन जिस क्षेत्र के होंगे, संस्कृति समिति द्वारा उनका चयन किया जाएगा तथा सुरमई गोरखपुर .com से एक वेबसाइट बनाया जा रहा है जो कि जल्द लॉन्च हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह ADM फाइनेंस गोरखपुर हूँ। माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सुरमई गोरखपुर समिति बनाई गई है। इसमें जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष हैं, VC GDA साहब उपाध्यक्ष हैं, मैं उसमें मेंबर सेक्रेटरी हूं। जनपद के कुल 9 अधिकारी इसके स्थायी सदस्य हैं।
छः अधिकारी और उसमें निजी व्यक्ति भी सम्मिलित होते हुए एक सांस्कृतिक समिति भी बनाई गई है। सुरमई गोरखपुर का उद्देश्य ये है कि हमारा जो रामगढ़ ताल है, जिसको वहाँ पर एक बोट जेट्टी है, वहाँ हम लोग प्रत्येक शनिवार को सायंकाल 4 बजे से 6 बजे के बीच गोरखपुर के उदीयमान कलाकारों को मौका देंगे कि वो वहाँ अपना परफॉर्म करें। जो भी जिस भी कला क्षेत्र के होंगे, जैसे नृत्य है, गायन है, वादन है, जिस भी क्षेत्र के होंगे, हमारी एक सांस्कृतिक समिति होगी जो उनका चुनाव करेगी। हम अभी एक वेबसाइट बना रहे हैं surmaigorakhpur.com करके, जल्दी ही वो वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। इस संबंध में आगे जो कार्रवाई होगी, विस्तृत विवरण जिलाधिकारी महोदय के द्वारा या मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। कोई डेट भी फिक्स है? अभी इसकी डेट तय नहीं हुई है, तैयारी होते ही डेट तय हो जाएगी। SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई द्वारा कचहरी चौराहे पर निशुल्क प्याऊ का शुभारंभ किया गया। SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि गर्मी के मौसम में किसी भी राहगीर को जल पिलाना पुण्य का काम होता है। उन्होंने कहा कि जनपद में ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं तथा हर चौराहे पर प्याऊ की व्यवस्था हो ताकि राहगीरों को पानी पीने में किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर समाज सेवी अरुणेश शाही सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लगा कर रखिएगा सर। अभी अपने वाहन को डीलर के माध्यम से ही चलाएं। थोड़ा कृपया ध्यान दें, अपने वाहन डीलर के माध्यम से ही चलाएं। कि आपका सामने यदि आपके द्वारा अपने वाहन को गर्मी के अंदर किसी भी राहगीर को जल पिलाना की परंपरा के अनुसार साथ में ये वही व्यक्ति सोच सकता है जिसके मन में दूसरे कला की रक्षा करने की होती है। और एक नई आशा, एक ऐसा संतन है जिसने पुण्य कार्य में पूरे महीने भर में मात्र दो जगहों पर इस तरह का पुण्य कार्य करते हुए उनको देखते हैं। मैं इनको बहुत बहुत मेरे ऐसे की गहराइयों से आशीर्वाद देता हूँ। और आज नीति जी ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि इतना अच्छा कार्य शहर में हो रहा है। इसके लिए मेरे जैसे इतने छोटे से व्यक्ति को बुलाने का काम उसके हाथों से उद्घाटन करा रहे हैं। मैं अरुणेश शाही साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बताया, सरकार साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसे कार्य आप भविष्य में भी करते रहें जिससे कि सभी लोग प्रेरित रहें और समय समय पर राज्य रिश्ता जरूर होंगे। मुझे लगता है गर्मी उनकी प्यार जरूर होगी और बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी लोकेशन का चयन किया इनके लिए आपने और एक नई आसान है और इसके लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लोग सुन रहे हैं दिन भर में जितनी बार मन करे यहाँ के दूर और ठंडा पानी जो है हरीश भैया हमारे मुख्यमंत्री महोदय को। जनपद में होने वाले बरसात से निपटने के लिए नगर निगम की तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि बारिश को देखते हुए नगर निगम ने बड़े व छोटे मंझले नाले उनकी सफाई लगातार की जा रही है। नगर निगम के पास 13 बड़े नाले, 116 छोटे नाले, 157 छोटी वाली नालियां हैं। इस तरह कुल 256 नाले हैं जिनकी सफाई तेजी से करवाई जा रही है। इसके अलावा सबसे बड़ा गोड़धोया नाला जो कि 10 किमी का है, जिसका मुख्यमंत्री ने भी निरीक्षण किया है, उसकी भी सफाई का कार्य हो रहा है। उम्मीद है इस बार की बरसात में 25 वार्डों में जल जमाव की स्थिति नहीं होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, बारिश को देखते हुए नगर निगम ने जितने भी हमारे बड़े छोटे मझोले नाले हैं उन सबकी तली झाड़ जो सफाई है वो लगातार चल रही है। हमारे पास 13 बड़े नाले हैं और 116 छोटे नाले हैं और 157 छोटी वाली नालियां हैं। कुल मिलाकर 256 हमारे पास नाले हैं जिनमें से सभी की तली झाड़ सफाई जो है वो लगातार कराई जा रही है। इनमें सबसे बड़ा गुरदैया नाला जो कि 10 किलोमीटर है, जिसकी सफाई कार्य का माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी निरीक्षण किया था और उसको हम लोगों ने पूरी तरह से तली झाड़ सफाई करके मतलब कह सकते हैं कि इस बार पूरी उम्मीद है कि इन जिसमें कम से कम 25 वार्डों का पानी आता है इस बार जो है वाटर लॉगिंग की ना होने के बराबर की इसकी संभावना रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बिना कार्यों के हुए भुगतान करने पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सहजनवा के तत्कालीन वीडियो दुर्योधन सहित चार पर मुकदमा करवाया दर्ज। कहा, वीडियो दुर्योधन को सस्पेंड करने के लिए शासन को लिखा गया है पत्र, आगे भी चलती रहेगी जाँच की कार्यवाही, दोषी पाए जाने पर की जाएगी कार्यवाही। बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं से गीडा बना उद्यमियों की पसंद, निजी क्षेत्र के 6 निवेशकों की ओर से 1,000 करोड़ रुपए के निवेश है प्रस्तावित। सरकार की ओर से होटल मैनेजमेंट, गारमेंट पार्क, प्लास्टिक पार्क, आईटी पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री का है प्रस्ताव। जिलाधिकारी के निर्देश पर अब जिले के प्रत्येक तहसील के रजिस्ट्री कार्यालय में हुई 10 बड़े रजिस्ट्री के स्टाम्प को एसडीएम और तहसीलदार प्रत्येक माह करेंगे स्थलीय निरीक्षण। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। डकैती में वांछित 4 अभियुक्तों को ऑपरेशन पाताल के तहत उरवा बाजार पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। खोराबार ब्लॉक के छितौनी गांव में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने लगाया चौपाल। कहा, चौपाल में मुख्य शिकायत 100 मीटर रास्ता बनाने के लिए आई थी, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिया गया है निर्देश। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित 22वीं जूनियर खो खो स्टेट चैंपियनशिप में बिजनौर को 2 अंक से हराकर गोरखपुर बना चैंपियन। खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। कहा, प्रत्येक स्कूल में खेलों को किया जाएगा प्रोत्साहित। नगर निगम की सिटी बसें लगभग 40 लाख रुपए महीना की कर रही हैं कमाई। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने दी जानकारी। कन्या सुमंगला योजना की बैठक सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को दिलवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सुरमई गोरखपुर समिति का हुआ गठन। रामगढ़ ताल पर प्रत्येक शनिवार को 4:30 बजे से 6 बजे तक गोरखपुर के विभिन्न कलाकारों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मिलेगा मौका। मेंबर सेक्रेटरी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। कचहरी चौराहे पर निशुल्क प्याऊ का एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया शुभारंभ। कहा, किसी भी राहगीर को जल पिलाना होता है पुण्य का काम। और बरसात से निपटने के लिए नगर निगम की तैयारी हुई पूरी। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, गोड़धोया नाला सहित सभी नालों की तेजी से करवाई जा रही है सफाई, शहर में नहीं होगा जल जमाव। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।